दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, फिर जेल में क्यों हो? बहुत बड़ी राम कहानी है भाई, बताऊंगा तो टाइम बर्बाद होगा। अब यहां हम कौन सा बड़ा काम कर सकते हैं सर जो टाइम वेस्ट होगा? टाइम पास के लिए ही बता दो सर। वैसे तो सारे बच्चे अपना दिल खेल कूद में लगाया करते हैं, पर मेरे बेटे ने मेरी बातों को दिल से लगा लिया। तो ऐसी कौन सी बात उसे कह दी सर? अरे मेरा बेटा, चुप हो जाओ बेटा, क्या हो गया? आजा 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 मेरे पास आजा, चुप हो जा। भाई हाँ, अभी भी अगर स्माइल कर दूँ ना तो 10 लड़कियाँ घायल हो जाती हैं। टूथपेस्ट बदल ले, बहुत बदबू आ रही है तेरे मुंह से। सुनिए जी, आप सबको जोक सुनाना बंद कीजिए और बच्चे को संभालिए। पापा के पास जाओ। आजा बेटा, आजा बेटा, मेरा बेटा। ओ ओ ओ, चुप हो जा, रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरा बेटा, मेरा लाल। टूथपेस्ट बदल ले, बदबू आ रही होगी उसे। देख ले मुझ पर पंच मार रहा है ये, तू इसके गाल पर पंच मार। अब जरा पापा को भी मार बेटा, बार बार। अजो 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 अजो, इसको भी और मार, ये मार और मार। ये तो हंसने लग गया। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बच्चा, मम्मा के पास आ जा। मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है, जब भी ये रोए ना तो मेरे पास लेकर आ जाना। अजी सुनिए, देखिए कुछ खा नहीं रहा है। नहीं खा रहा है, रो रहा है। लाओ मुझे दे दो, मुझे दे दो। लाओ लाओ लाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, मेरे पास आ जाओ। चलो अब देखो, तो देखो टीवी, देखो टीवी, देखो टीवी, देखो देखो फाइट चल रही है, देखो। सोनिया जी, इसने फिर से रोना शुरू कर दिया। कहा है ना, इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। आ जा बेटा, ये ऑटो वाला अंकल है ना, इनको मारो तो मारो। शाबाश, वाह वाह बेटा, वाह 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 वाह। जरा अपने बच्चे को संभाल लो, नहीं तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल खड़ी करेगा वो। रास्ता भटक गया है सर, नजर रखनी चाहिए थी। कितना पढ़े लिखे हो भाई? 10th फेल हूँ सर। डिग्री तो है नहीं तेरे पास और मुझे सलाह दे रहा है। मार के भी देख लिया उसे। ए मंटी को क्यों मारा तूने? मुंह क्यों बना रहा है? अब कोई फायदा नहीं, चल हाथ निकाल। मार खाकर रोने की जगह तू एंजॉय क्यों कर रहा है? मारने में भी मजा, मार खाने में भी मजा है। और मारो। मारने में भी मजा और मार खाने में भी मजा, ये क्या बात हुई सर? ये बचपन में ऐसा है तो बड़ा होके क्या करेगा? उधर देखो, तुम लोग स्टूडेंट्स हो या गुंडे हो जो बीच सड़क पर झगड़ा कर रहे हो? आज के बाद अगर किसी भी झगड़े में तुम लोग नजर आए ना तो PD एक्ट के तहत अंदर कर दूंगा। समझ में आया? इन दोनों ग्रुप के लड़कों के नंबर और एड्रेस सेपरेट नोट करके इन लोगों को छोड़ दो। चलो ए, जाओ जाओ, जाओ से उधर जाओ 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 जाओ। चलो सब लोग यहाँ के साइन करो। क्या हुआ सर? कौन से बैच से हो? मेरा कोई बैच नहीं है सर। फिर रोड पर ऐसे ही झगड़ा हो रहा था तो मैंने सोचा कि पार्टिसिपेट कर लूं। पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ कोई कबड्डी का खेल चल रहा था? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? CBSE से CA कर रहा हूँ। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए तुम्हारे गार्जियन लाखों खर्च कर रहे हैं और तुम लापरवाह होकर झगड़े के मजे ले रहे हो। जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए उसे वेस्ट कर रहे हो। अगर ये बात तुम्हारे गार्जियन को पता चले तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। उनको पता है सर, मारने के लिए उन्होंने तो मुझे बचपन से एनकरेज किया है। इसी वक्त अपने पापा को फोन करके पुलिस स्टेशन आने के लिए कहो। इसकी तो आदत हो गई है सर, इसे अंदर डाल दीजिए, अक्कल आ जाएगी। पापा सुनो, कांस्टेबल सर, इस लड़के को छोड़ दो और इसके बाप को शाम तक अंदर रखो। सर हाँ, बेटे की गलती की सजा बाप को मिले ये किस कानून में लिखा है सर? अगर बच्चा रोए तो बगल वाले को मारे ये किस कानून में लिखा है? सब कुछ बता दिया क्यों सर? बस एक बार। बिल्कुल भी नहीं, लाइफ में जब कभी भी ये झगड़ा करेगा मैं हर बार तुम्हें ही अरेस्ट करूंगा।
तो ये है मामला। सर, आपका टाइम खराब था इसलिए आप इंस्पेक्टर की नजर में आ गए। वो तो पहले से ही हिला हुआ है। अगर हो सके तो अपना मोहल्ला बदल लो। अगर मेरी बात मानो तो आपको ये शहर ही बदल देना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे कि 10th फेल की सलाह क्यों मानूं, तो सेम प्लेस रेगुलर मिलेंगे, फिर आगे की कहानी भी सुन लूंगा। क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ जी, मेरे बेटे के दुश्मनों ने आपको जान से मार दिया है, ऐसा सपना देखा। मुझे भी इसी बात का डर था कि एक न एक दिन वो लोग मुझे जरूर मारेंगे। पर ये तो बताओ मुझे, उन्होंने मारा क्यों? सिर्फ सपना आया, उन्होंने वजह नहीं बताई। उठो, अरे एक सीन दिखाता हूँ। उठो। ओहो, आधी रात को कौन सा सीन दिखाएंगे? अरे रजनीकांत का सीन है, उठो देखो। तो अब मैं समझाता हूँ कि हम लोग क्या करें। हम अपने बेटे को गुंडों के पास में भेज देंगे और उनके बीच में रहकर वो लड़ाई झगड़े भूल जाएंगे। आप पागल हो गए हैं क्या? हम लोग उसके साथ हैं तो इतना उछल रहा है वो, हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या करेगा। पागल तुम हो गई हो। अरे हम हैं इसलिए तो वो इतना उछलता रहता है ना। जब वहाँ पर रहेगा और झगड़ा हुआ तो झगड़ा सेटल करने के लिए मैं नहीं रहूंगा, चोट लगी तो मरहम लगाने के लिए उसकी माँ यानी तुम नहीं होगी। रोते हुए बच्चे को अगर दूसरे रोते हुए बच्चे के सामने बिठा दिया जाए तो बच्चा चुप हो जाता है। ऐसा कौन सा काम है जी? तिरुपुरम आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। जब आंध्र और तमिलनाडु अलग हुआ तो तिरुपुरम के बीच में से वो रास्ता निकला। गांव के एक तरफ तमिल लोग रहते हैं और दूसरी तरफ तेलुगु लोग रहते हैं। इस गांव के लोग उस गांव में नहीं जा सकते और उस गांव के लोग इस गांव में नहीं आ सकते। एक दूसरे को मारते काटते अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस गांव के बीच लकीर इसलिए खींची गई ताकि तुम लोग एक दूसरे की जान ना लो, लेकिन तुम तो एक दूसरे को मारने पे तैयार हो। और केशव, तुमने उसका पांव क्यों काटा? और क्या करते सरपंच जी, हर बात पे झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। लकीर किस लिए खींची गई? कि लोग इधर ना आ सके और इधर के लोग उधर ना जा सके। आपकी जबान रखना चाहते हैं हम लोग। इन लोगों के आदमी हमारे एरिया में आकर हमारे आदमी को काटना चाहते हैं तो हम क्या करें? कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। ऐसी गलती इनसे दोबारा ना हो इसीलिए टांग काट कर कॉल कर दिया हमने। अरे, पहले हमारे आदमियों को उकसाकर अपने एरिया में बुलाया और अब तुम लोग बात से पलट रहे हो? धोखेबाज कहीं के। मुत्तू, पंचायत में किस तरह बात करनी पता नहीं क्या? जायदाद जागीर होने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता। गांव अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए। एक टांग चली गई तो तुम ऐसी हरकतें करोगे? कितने लोगों की जाने चली गई उसका क्या? तुम दोनों को मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, इसे चेतावनी समझो या फिर कुछ और। आज के बाद कोई भी शख्स इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आया तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। यह आखिरी चेतावनी है, इसके बाद पंचायत कार्रवाई कर सकती है।
जी ये उसके घर वालों को दे दो। जी सरपंच जी। कुत्ते के पास दुम होती है पर दिमाग नहीं होता। चलो रे। ये क्या भाई, हमारे आदमी की टांग काट के हमारी बेइज्जती कर दी और हम लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। टांग के बदले हमें भी टांग काटनी पड़ेगी। टांग के बदले में टांग काटने का जमाना गया, अब टांग के बदले में सीधा सर। इतना सब कुछ होने के बाद हमारे साथ कौन आएगा अब? कोई ना कोई तो इस दुनिया में होगा ही जो मेरा ये काम करेगा। तिरुपुरम, वहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर दोनों लोग पढ़ सकते हैं। बस कॉलेज के अंदर नियम ये है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए जमींदार ने वहाँ पर एक नियम बनाया हुआ है। वहाँ पर वो अंदर भी रहेगा और जैसा तुम चाहते हो सेफ भी रहेगा। पर उसको तमिल नहीं आती ना। तमिल तेलुगु छोड़िए, सब हिंदी में बात करते हैं। टिकट रेडी, ये मैंने आपके लिए पैक किया है। लगता है सब कुछ फिक्स हो गया है, अब उसे कैसे भी कन्विंस कर लीजिए आप। मेरी कंपनी वालों ने मेरा ट्रांसफर तिरुपुरम कर दिया बेटा, और अभी पोस्टिंग के लिए सिर्फ 2 महीने हैं और तुम्हारा सेमेस्टर भी शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने तेरा एडमिशन वही इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया है। तू जाकर वहां पर सेटल हो जा, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे बेटा। पिताजी आपको पता है ये बात कहां कह रहे हैं? इस तरह से मुझे शहर से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं था पापा। ऐसा कोई अपने बेटे के साथ करता है? क्या लगता है आप लोग नहीं रहोगे तो मैं जीऊंगा नहीं? पापा आपने मुझे समंदर में भी धकेल दिया ना, मैं मछली पकड़ के उसको फ्राई करके खा जाऊंगा, समझ गए ना? मैं कहीं पर भी जी सकता हूँ। अरे बेटा। माँ तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ सुनिए पापा। तू ऐसे बात कर रहा है कहीं तेरी बस ही ना छूट जाए, मुझे ये डर है। टाटा। माँ का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, जल्दी भागो यहाँ से, कहीं इसका मूड ना चेंज हो जाए। भैया ये खेती, ये पहाड़ियाँ, ये हरियाली, ऐसा लगता है आप मुझे किसी दूसरे राज्य में लेकर आए हो। अरे नहीं नहीं, हम लोग इसी राज्य में हैं भाई। मुझे तो डाउट था। हम अपने राज्य में हैं, वो खेती दूसरे राज्य में है। क्या कहा? हाँ सर, ये आंध्रा तमिलनाडु का बॉर्डर है, इस तरफ आंध्रा उधर तमिलनाडु। तो बाप ने मुझे बॉर्डर पे लाके खड़ा कर दिया। सर आपको इधर जाना है, उधर गए तो वहीं के रह जाओगे। पापा मैं पहुंच गया हूँ। गाँव जाते ही तेरी आवाज में कितना फर्क आ गया है, उतरते ही फोन कर लिया तूने। आवाज तो बदलेगी ना पापा, पॉल्यूशन से भरे शहर से निकाल कर अचानक साफ सुथरे वातावरण में भेजोगे तो चेंजेस तो होंगे ही ना, इतना कॉमन सेंस नहीं है। हैदराबाद यहाँ पे आंध्रा की बॉर्डर खत्म होती है, तिरुपुरम इधर तमिलनाडु की बॉर्डर स्टार्ट हो रही है। बेटा तू तो कह रहा था कि समुंदर पहाड़ कहीं भी भेज दो तुम जी लोगे, एक और इडली दो मुझे। बेटा नहीं है तो उसके हिस्से का मैं ही खाऊंगा ना। खाइए खाइए भाई। सांबर खाओगे? सपोर्ट कर रहा है। आई हेट ऑल दिस। अरे सपोर्ट नहीं, सांबर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर फेमस क्या है? इधर इडली सांबर बहुत फेमस है। वन मिनट। पापा माँ के हाथ का खाना खा खा कर मैं बोर हो चुका था, यहाँ पर इडली सांबर बहुत फेमस है, वो खा के आपको फोन करता हूँ। चल। अरे हाँ एक सेल्फी, अब स्माइल कर। ₹100 में ले लो। अरे ₹100 में कौन खरीदेगा यार, कोई पागल ही खरीदेगा। ये क्या बीच रास्ते में बांध कर रखा है? ये देखो ये होटल है। ठीक है खाते हुए बात कर लेते हैं। अच्छा भाई 2 प्लेट सांबर इडली। मेरे होटल में कदम रखते ही इतने सारे ग्राहक आ गए। 2 प्लेट सांभर इडली।
जरा जल्दी यहाँ। अरे बेवकूफ, नींबू कोई इतनी बड़ी तलवार से काटता है? छोटे चाकू से काटते हैं। रुक जरा, पूरा खराब हो गया ना, पागल कहीं का। ए, हिंदी समझ में नहीं आती क्या? कितनी बार बोलना पड़ेगा? सांभर इडली दे जल्दी। तुम सबको मेरे बारे में पता नहीं है, अभी बताता हूँ। तुम लोग आदमी हो कि जानवर हो यार, ऐसे कैसे हो सकते हो तुम लोग? अरे झगड़ों में इंटरेस्ट मैं भी तो रखता हूँ, लेकिन ऐसे सांभर इडली के लिए झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है यार। अच्छा मेरा बैग ले लूँ मैं। दादा कम से कम आप तो इन्हें समझा ही सकते हैं ना। भाई ठंडा पानी पी लो, ले लो ले लो पी लो। अरे कोई बकरी को गाड़ी से उड़ा दिया, ऐसी पूरी फैमिली पीछे पड़ गई थी मेरे। वो क्या है कि दो दिन पहले उसका एक आदमी इधर आया था, उसकी टांग काट डाली उसी गुस्से में। टांग काट डाली? अरे तुम लोग पागल हो क्या? पागल नहीं, दुश्मनी। तेलुगु वाले उधर नहीं आ सकते, तमिल वाले इधर नहीं आ सकते। पर भाई तुमको कहाँ जाना है? केजीएन कॉलेज जाना है। भाई तू बहुत किस्मत वाला है, पहली बार तिरुपुरम में कोई उधर जाने के बाद सही सलामत इधर वापस आया है। हैदराबाद में छोटा सा झगड़ा होता है तो पुलिस वाले आते हैं, यहाँ पुलिस वाले ध्यान नहीं देते क्या? यहाँ का सारा फैसला पंचायत करती है, यहाँ कोई भी झगड़ा हो फसाद हो कोई पुलिस वाले के पास नहीं जाता, यहाँ तो पुलिस स्टेशन है ही नहीं। तो फिर भाई पुलिस यहाँ कहाँ से आएगी? लगता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा असल में ये झगड़ा क्या था? ए, तुम पढ़ने के लिए आए हो ना तो पढ़ाई करो ना, फालतू में इस लफड़े में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पर हमारे कॉलेज के अंदर झगड़ा है कि नहीं? कॉलेज के अंदर झगड़ा कोई चांस ही नहीं है, प्रिंसिपल परमात्मा आदमी है, एकदम स्ट्रिक्ट है, प्रिंसिपल की इजाजत के बिना कॉलेज में कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता। तमिल वाले हो या तेलुगु वाले, वो सब कॉलेज के बाहर, एक बार कैंपस में कदम रख दिया ना तो सब एक समान, उनके रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। जिसे भी कॉलेज में पढ़ाई करनी है उनके हॉस्टल में सबको मिलके ही रहना पड़ता है। बहुत मजा आया भाई। रेखा, इन दोनों ने मारपीट की है, एक वीक के लिए सस्पेंड करो। yes, सर मैं हाई फाई कर रहा था। ये सब मैं नहीं जानता, तुमने अपने हाथ से उसे मारा और मैंने ये सब देखा है। गेट आउट फ्रॉम कैंपस, कम ऑन रेखा। कल रात मैंने रजनीकांत की बादशाह फिल्म देखी। सच में यार रजनीकांत की एक्टिंग का तो जवाब नहीं। रजनीकांत तमिल से ज्यादा अच्छा काम तेलुगु में करते हैं। इनकी बातों से लगता है रजनीकांत से ये कुछ ज्यादा इंस्पायर हैं। रेखा, वन वीक के लिए नहीं, इन लोगों को वन मंथ के लिए सस्पेंड करो। अगर ऐसा कोई हैदराबाद में होता ना तो डंडे से मारता उसे। इसलिए वो तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए रात भर दरवाजा खोल के सोता है। सामने दुश्मन, एक गोली एक दुश्मन, फायर। मतलब हमारे कॉलेज में झगड़ा होता ही नहीं है। भाई एक बात बताओ, तुम कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए हो या यहाँ आके मारपीट करने के लिए आए हो? अरे बताओ ना भाई। लगता है मानेगा नहीं, नल्ला सीनू की देखरेख में एक बार महीने में फाइट होती है। नल्ला सीनू, ये कौन है? वो कॉलेज के कैंटीन का ऑनर है। वो कॉलेज के पीछे के गोदाम में पैसा लेके तेलुगु और तमिल ग्रुप में फाइट करवाता है। जीतने वाला महीने भर शेर की तरह रहता है और हारने वाला बिल्ली की तरह।
अबे तुम लोग की बारी। आज महीने का पहला दिन है ना, आज फाइट होगी। अरे तो फिर वही चलो ना भाई। पता था। हाँ भाई, कॉलेज में ज्यादा दिन तुम टिकने वाले नहीं लगते हो। ये लो मेरा कार्ड, जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। अरे इडली खाया, उनका सांभर नहीं खा सकते हम लोग, उनका कपड़ा धोना पड़ता है हम लोगों को। तू ऐसे मार खाएगा तो कैसे चलेगा? जाओ मार उनको। हिसड्डी कहीं का, ये काम इससे नहीं होने वाला है। इस महीने भी तेलुगु वालों का ही सर उठा रहेगा। है ये लुंगी रख ले अपने पास। अगली बार किसी ढंग के बंदे को भेजना। अरे ये तो पूरा लल्लू निकला। क्या चाहिए? कोक या कोल्ड ड्रिंक? गेम में पार्टिसिपेट करना है। 500 रुपए लगेंगे। ये लो। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, एक नया बकरा आया है। ये बैठ लो। ए, लगता है ये तमिल वाला है, जम के धुलाई कर। ए, रुक 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 रुक। ओहो, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। अंदर जा। ऐसी पिच पर पहली बार है भैया, मारूंगा कि नहीं पता नहीं, हाँ लेकिन चार मुक्के खाकर वापस चला जाऊंगा। आ जाओ। बकरा तो आलार हो गया। मारो, कम ऑन, चलो मारो, उठो। वो मारेगा तो एंजॉय करूंगी या मैं मारूंगा तो एंजॉय करूंगी? कोई भी मारेगा तो एंजॉय करती है। चुप। अरे गुरु, उधर कोई मार रहा है, इसीलिए तो इधर आ गया मैं। अरे उनके लोगों को मार रहा है। अबे क्या बक रहा है तू? सारे सवाल यही पूछेगा तो वो चला जाएगा। चल 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 चल। मार मार। अरे गुरु, पर वो है कौन? अबे कौन है इसे? क्या अपने अपोजिशन वाले को मार रहा है? मतलब अपना ही है यार। ये कौन है? Bye.
कौन है रे तू? ए, मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ, कौन है तू? न्यू जॉइनिंग है। ओ, अच्छा ये बात है, तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? प्रिंसिपल के केबिन में होना चाहिए। शहर से आए हो? लोग गांव से शहर जाते हैं और तुम शहर से यहाँ पढ़ने आए हो। मेरा भी यही प्रॉब्लम है सर, शहर में कुछ होता नहीं है सर, वहाँ तो कोई साथ भी नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर मैं साथ मिलजुल कर पढ़ तो लूंगा, बहुत मजा आएगा सर पढ़ने में। तो पहले तुम हॉस्टल ज्वाइन कर लो। ओके सर। जरा इस लड़के पर ऑब्जर्वेशन रखना। ऑलरेडी इस काम में लग गई हूँ सर। ब्रो, यही है अपना हॉस्टल, यहाँ पढ़ने वाले सभी बड़े बड़े आदमी बन गए, ऐसा प्रिंसिपल साहब का कहना है, लेकिन उनकी बात पे ध्यान मत देना। भाई ये भाई, चलना हमारे रूम में रहना, चलना। क्या तुम्हारे रूम में रहेगा? तुम्हें खाने पीने के सिवा कुछ सोचता है क्या? ब्रो, रहने के लिए सिर्फ रूम नहीं, दिल भी होना चाहिए, जो मेरे रूम में है। आजा। क्या मस्त माल है ये, क्या बात है, बढ़िया है। ये नीचे रहेगा और आप ऊपर रहोगे, आराम से टकराने वाला सीधा ऊपर जाएगा। भाई उस लड़के के बारे में पता चल गया है, वो कॉलेज में नया ज्वाइन हुआ है, गलती से वो बगल में चला गया था मगर होशियारी से बचकर निकल गया, ये बात हमें पता चली है भाई। ठीक है, तुम लोग जाओ। ठीक है। खेती किसकी करें? उन लोगों ने क्या किया? चने की खेती की। हम किसी से भी कम नहीं रहेंगे, हम भी चने की खेती करेंगे। ठीक है। इतने लोगों को उसने भगाया है, इसका मतलब उस पर अच्छी तरह नजर रखना पड़ेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई विल स्टडी सर। गुड बाय। क्या ब्रो, ये हॉस्टल इतना साइलेंट क्यों है? यहाँ कोई मारता काटता नहीं है क्या? रूम और बाथरूम को छोड़कर हर जगह सीसी कैमरा फिक्स है ब्रो। इसलिए जो भी करते हैं ना, इधर उधर ही करते हैं। एक महीना वेट करना पड़ेगा, पता नहीं मेरे बाप ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अरे ब्रो, ये कहाँ कहाँ है पूछो ना। ब्रो, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? रजनीकांत ब्रो, रोबोट 10 बार देखी है मैंने। अबे उसका फेवरेट हीरो तो रजनीकांत है। हाँ। तेरी तो अभी तुझे डाउट हो रहा है क्या? अरे गुरु, ये हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेता है, ये तेलुगु है या तमिल है पूछो। क्या नाटक है यार। अरे पूछो ना। ब्रो, आप तो हिंदी एकदम फटाफट बोलते हो भाई। मुझे 4 languages आती है ब्रो। जरा इधर आ तो। अबे उसे 4 languages आती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरी बात सुन गुरु, मेरी बात सुन। कितना खूबसूरत है। तुम आंध्रा के हो ना? अरे क्या नाटक है तुम्हारा, आंध्रा का नहीं हूँ तो यहाँ नहीं रह सकता क्या? अरे तू रुक यार, इतने दिनों से उनके साथ फाइटिंग में हार कर सर झुका कर जी रहे थे हम लोग, वो गालियाँ देते रहते थे और हम लोग चुपचाप सुनते रहते थे। अरे इतना ही नहीं, इस कॉलेज में हम लड़कियों का पैर ही देख सकते थे, चेहरा देखने की इजाजत ही नहीं थी। अब तेरी वजह से पहली बार हमें सर उठाकर देखने का मौका मिला है, कल से दिखाएंगे हम अपना जलवा। शुरू हो गया। ए, इसे देख। हाँ, ये तो सही है ना? ब्रो मैं अभी आता हूँ। हाँ, सही है। कॉलेज के अंदर पहली बार कॉलर उठाकर जीने का मौका मिला है। तेलुगु तमिल में फर्क मत समझना, लड़की होनी चाहिए। अट्टा। अरे ब्रो, इधर जूनियर और उधर सीनियर है। ए रोजी, तू मेरे साथ फ्रेंडशिप करेगी क्या? कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां हैं, फिर तुझे मुझसे क्यों फ्रेंडशिप करनी? वो सब तेरे से खूबसूरत है, मुझे क्यों चुनेंगी? इडियट कहीं का। प्रिंसिपल तो नहीं देख रहा है? You are so hot, baby. 100 तो बुखार है, तो हॉट नहीं रहूंगी क्या? सुजी, हम लोग शादी कर ले क्या? ए, तू 3rd year में है और मैं 4th year में। तो नेक्स्ट ईयर कर लेते हैं, मैं भी नेक्स्ट ईयर 4th में आ जाऊंगा। Yeah.
किसने चिपका दिया? सुजीत तालियां बजा रही थी। अच्छा, गलती से मेरा चेहरा बीच में आ गया। रुक, अब चल। हाँ, ये बात है। हाय, दिस इज। कितना परसेंटेज आया? परसेंट बैकलॉग कितना है? बताओ ना, बैकलॉग्स कितना है? 3। तुम्हारा चेहरा ही झूठ बोल रहा है, मगर उंगलियां सही बता रही हैं। कौन सी क्लास में हो? थर्ड ईयर सीएससी। ओहो, मेरी ही क्लास में? सिलेबस कहाँ तक पहुँच गया पता भी है? पोर्शन कितना पढ़ाया गया है पता है तुम्हें? क्लास कौन सी है ये पता है? कौन से फ्लोर पर है ये भी पता है? तो पता क्या है, बस लड़की का हाय बोलना आता है। चलो क्लास में जाओ। यही है क्या? हाँ जाओ। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। तुम लोग तो ऐसे खड़े हो गए जैसे भिखारी रसगुल्ला देखकर फौरन खड़ा हो जाता है। बैठ जाओ। इंजीनियरिंग कॉलेज के अनएजुकेटेड फेलोज, लास्ट सेमेस्टर की टॉपर है कार्तिका। गिव हर अ बिग हैंड्स। ठहरो ठहरो, क्या बात है बेटी, इतने कॉन्फिडेंटली खड़ी हो गई? तुम 4 सब्जेक्ट में फेल हो गई हो और 2 सब्जेक्ट में जस्ट पास हुई हो, और तो और ब्लैक लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। हाउ डेयर यू सर, आप ही ने तो कहा कार्तिका। मैंने एम कार्तिका को बोला, तुम एल कार्तिका हो। बैठ जाओ। एम कार्तिका, गिव हर अ बिग हैंड। अरे जरा सुनो, मैंने तो हाथ से बता दिया, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट बताऊंगा तो मेरे हाथ पैर कम पड़ेंगे। Just shut up, okay? अरे बाप रे, इंग्लिश कमाल है यार, कितना बिल्डअप देती हो तुम तो। अरे कौन है जो इतना जोर जोर से हंस रहा है? सर ये नया लड़का है सर। ए, खड़े हो जा। ट्रांसपोर्ट से आए हो क्या? नहीं सर, बस में आया हूँ। बस जोक है ये, वेरी वेरी वर्स जोक। पूरी क्लास साइलेंट है और तुम जोर जोर से हंसते जा रहे हो। सॉरी सर। तेरी परसेंटेज कितनी बनी थी? 91% सर। 91? हाँ सर। इंटरनल टेस्ट में या सेमेस्टर टेस्ट में? ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट। क्या बेकार के जोक पे बार बार हंसता जा रहा है, मुंह बंद रखना अपना। एक बार फिर से सॉरी सर। देख बेटा, मुझे तेरी काबिलियत पे शक हो रहा है, मैं तुझसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, बस उसका जवाब दे देना। ठीक है सर। सी एस ई का क्या मतलब है, उसकी फुल फॉर्म बताओ। चली, 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 फुल फॉर्म। कंप्यूटर। स्कैनर। क्या गलत बोल दिया? ई फॉर एजुकेशन। हाँ एजुकेशन सर। बेचारा नया आया है ना, इन लोगों के साथ कैसे मिलजुल कर रहेगा, मैं तो यही सोच के परेशान हो रहा हूँ। ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन, तुम लोग दूध और पानी की तरह मिलकर रहो, उसी में तुम्हें खुशी मिलती है ना, तो वही करो। सर हमारी क्लास नहीं लोगे? 10 के आगे 1 शून्य लगाओगे तो क्या होगा? 10। अबे गधे, 100 भी तो होता है। सर मैंने हिसाब नहीं किया। तो इतने समझदार लोगों को मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ बता? अभी कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा होता ना तो फटाफट 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 जवाब दे देता। मैंने मेरी बेटी के स्कूल का सवाल पूछा, तू इसका भी जवाब नहीं दे सकता? तुम्हारा लेवल कितना नीचे जा चुका है, नालायक हो तुम सब। कार्तिका, तेरे पीछे पीछे हॉस्टल तक आ गया। रुको। क्या है? हाँ? तुम टॉपर हो सोचकर बात करने में टेंशन हो रही थी, लेकिन अब तो सब कुछ पता चल गया है ना, तो हम फ्रीली बात कर सकते हैं ना। क्या बात करनी है? हम दोनों में बहुत सारी बातें सिमिलर हैं। तुम्हें झगड़ा पसंद है, मुझे भी झगड़ा पसंद है। तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ा ठीक ठाक मैं हूँ। चल हट। इसलिए कहते हैं सही इंसान का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। माँ। क्या रे, कैसा है बेटा, जख्म पे मरहम लगा रहा है ना? इस बार चोट शरीर पर नहीं, दिल पर लगी है माँ। क्या हुआ बेटा?
यहाँ पर एक लड़की को देखा माँ, तेरी तरह ही महालक्ष्मी देवी का रूप है लेकिन अंदर से वो पूरी फुलन देवी है। माँ उस लड़की की खूबसूरती, उसका घमंड, भगवान ने उसे कॉकटेल बनाया है। माँ सुनते हो, हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद आ गई है। क्या बोली? आदतें बिल्कुल बुरी है लेकिन तारीफ करने की कोशिश कर रहा है। दिमाग को पूरी तरह डाइवर्ट करने के लिए हमारे डाकू को वाल्मीकि में तब्दील करने का यही तरीका है। हाँ, लड़की को बोल दिया तुमने? कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। एक अच्छी सी लव स्टोरी फिल्म देखो, एक लव स्टोरी किताब पढ़ो और एक अच्छी सी फीलिंग पेपर पर लिख डालो। उस लेटर को पढ़ने के बाद लड़की को लगना चाहिए कि अगर ये लड़का मेरी जिंदगी में नहीं तो जिंदगी बेकार है। दिल पर तीर मार दिया पापा। ऐसे वॉयलेंस वाले शब्दों को छोड़कर प्यारी प्यारी बातें कर बेटा। अरे गुरु उधर देखो, तेलुगु है इसीलिए तेलुगु फिल्म देख रहा है। देखो अबे हम इंग्लिश फिल्म देखते हैं तो अंग्रेज हो गए क्या? अरे गुरु जरा देखो तो वो तेलुगु किताब पढ़ रहा है। मैं मैथ पढ़ रहा हूँ तो मैथ वाला हो गया क्या? इसकी हालत देख कैसी हो गई, हर बात पे शक करता है। पीने का अलग ही मजा है। अरे गुरु, उसने देख तेलुगु में लिखा है। इसे तेलुगु नहीं आती है इसीलिए लिख करके काट रहा है वो, पक्का वो तमिल वाला ही है। चीयर्स। 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 सुना है शहर की लड़कियां सिर्फ यहाँ तक कपड़े पहनती हैं। हाँ यार, यहाँ की लड़कियां भी अपडेट का हुई हैं। हम लोग यहाँ तक कपड़े पहने ना तो भी लड़के देखेंगे। अरे कार्तिका, तेरे लिए लेटर है। कितने लोग लिखेंगे लेटर? कॉलेज में क्या मैं अकेली हूँ? इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी तो लिख सकते हैं। इस बार किसने लिखा है? कोई हरी है। सोचा था, मुझे तो लगा ही था कि इसके पास से लेटर जरूर आएगा, पर दो दिन लेट हो गया। चल पढ़। हाय, तुम बहुत क्यूट हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत डेयरिंग बस, ऐसा तुम मुझे कहोगी। रहने देते हैं। ये लेटर नहीं पढ़ते, तुम लोगों को मैं कितना टॉर्चर करूंगी। हाँ रहने देना, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तू कंटिन्यू कर। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम समझदार हो, तुम्हें देखकर 10 लड़के गिर जाएंगे अगर किसी ने कहा तो विश्वास मत करना, क्योंकि फूल अप्रैल 1 को बनाया जाता है लेकिन तुम पूरे साल करती हो। असल में तुम्हारा प्लस पॉइंट है कलर, वो गधे को भी होता है। आंखें अगर अच्छी होती तो चश्मा क्यों, चेहरा अगर तुम खूबसूरत हो तो ऐश्वर्या राय को क्या कहेंगे। सो अगर साफ साफ कहूँ तो तुम्हारे मार्क्स की तरह तुम्हारी खूबसूरती भी है। सब कुछ है तो प्यार करे तो उसे स्वार्थ कहते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। तुम्हारे जवाब का वेट करूँगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारा राक्षस, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा राक्षस, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा राक्षस, तुम्हारा आशिक। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ए रुक ना, वो लोग भूखे शेर की तरह 100 लोग हैं और हम नाजुक सिर्फ 5 लड़कियां हैं, क्यों उनसे पंगा ले रही है तू? चल ना यहाँ से। चल ना, ए जल्दी आओ। ए हाँ, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। सीसीटीवी होने से कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल के कमरे में फ्यूज होना चाहिए। ये कब निकाला ये बताना जरूरी नहीं है, चलो। कितने दिनों के बाद हुई है। लोग किस्मत से धन दौलत लेकर आते हैं और ये क्या अंडरवेयर लेकर आया है। जी। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। क्या है ये? इसीलिए इनके माँ बाप ने इन्हें यहाँ भेज दिया है, जिसे छिपाना चाहिए था उसे मुंह पर डालकर सो रहा है ये बेवकूफ। ए, उसका रूम नंबर क्या है? 108। चल।
रूम बंद कर, लाइट ऑन कर। ए उठ रे। क्या रे राची, सुबह तो आई थी, रात को किसी और को भेजना। प्यार व्यार करेंगे। ये क्या कह रहा है, मैं सुबह ही आई थी और अब दूसरी को भेजने के लिए कह रहा है। इसकी नजर में मैं कोई ब्रोकर हूँ क्या? इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। उठ रे। अरे मैंने सोचा रिस्पॉन्स आएगा लेकिन तुम ही आ गई। हाइट वेट। मैं हेल्प करूँ क्या? समझ रखा है मेरे बारे में? हाँ, मैं स्पेक्स पहनती हूँ, मेरा रंग गधे जैसा है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी हर चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है। तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? हाँ हाँ, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है पता है? मैं दारू पीती हूँ और पी के मारती भी हूँ। इतनी सी थी ना तब भी कोई बाल बांका नहीं कर पाया, अब बड़ी हो गई हूँ ना तो वायलेंस मैंने छोड़ दिया। कैरेक्टर को कवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम मेरी ओरिजिनलिटी को बाहर मत निकालो, समझे? बताओ मैं कितनी बार तेरे सपने में आई हूँ, चल बता मुझे। अरे तू आई थी और मेरी लुंगी लेकर चली गई। लुंगी लेकर चली गई? अगली बार अगर तुमने मेरी तारीफ की ना तो जान से मार दूंगी। चलो। रेखा सर, साक्षात सरस्वती देवी आ रही है, साथ में लक्ष्मी आती तो कितना अच्छा होता। आ? अब तक आई क्यों नहीं? मैडम। हाँ सर। एक्सक्यूज मी, आप कल दिखाई नहीं दी, पति के साथ पिक्चर देखने गई थी। हाँ क्या? जी। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी सीट वहाँ है। हाँ? तुम्हारी नकल करके पूरे यूनिवर्सिटी में टॉपर बन जाऊंगा ना। बकवास मत करो। हाँ, जाके अपनी सीट पे बैठो वरना सर से कंप्लेन कर दूंगी। अरे तुम अपनी सीट पर बैठो, अपने पेपर्स लिखो और यूनिवर्सिटी में टॉपर बन जाओ, समझी? सर। हाँ? रुक जा, मैं जा रहा हूँ। जाओ। अरे बाप रे, टेक्स्ट बुक को पूरे दुपट्टे में जेरॉक्स मार दिया है। मेहनत करने की बात की थी ना? ये मेहनत है तुम्हारी? प्लीज 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 प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अगर इस बार पास नहीं हुई ना तो पापा बेल्ट से मारेंगे। इस बार मुझे पास होना ही है, प्लीज 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 प्लीज। एग्जाम होने के बाद बाहर मिलना, एक हग करूंगा। मेरी चप्पल से कर देना। बता दूं क्या सर? मुझे ऐसी चीजों की आदत नहीं है यार। तो इस तरह ड्रेस पर लिखना बचपन से आदत है क्या? अभी पेपर लिखो, बाद में मिलना। कैदी नंबर 147 देखी ना? हाँ, देखा। उसके बाद सर, वो हाँ। नरसिम्हा रेड्डी की नई वाली मूवी आ रही है ना, सुपर हीरो एट द टॉप, वो भी सुपर 80 होगी। क्या मूवी बनाई है, एकदम रियलिटी पे है। सर, हा? वो जो पीछे बैठा है ना सर, वो चीटिंग कर रहा है। अरे इतनी बड़ी स्लिप लेकर आया है? चल लेकर आया, वहाँ तक तो ठीक है, लिखने के बजाय हवा में क्या देख रहा है? ये आंसर है सर, ये आंसर किस क्वेश्चन में लिखना है पता नहीं चल रहा है सर। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? थैंक्स फोन उठाया, वैसे लगा नहीं था कि तुम अपना नंबर मुझे दोगी। ए कार्तिका, फोन कट मत करना, लाइफ का मैटर है। बको। 10 मिनट दोगी तो हम क्लियरली बात कर लेंगे। 10 बजे लाइब्रेरी में। आ? अरे बाप रे, 10 मिनट बाकी है, अभी तैयार होता हूँ। आराम से आराम से, सुबह की बात कर रही हूँ। I am waiting। आप ये सारे चिट फिर से बनाने पड़ेंगे।
जस्ट 10 मिनट्स, जो भी बात करनी है बोलो, मैं सुनकर चली जाऊंगी। तुम्हारी पीठ को देख के बोलूं? बोलो। कार्तिका वो तुम्हें से देखती हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, थोड़ा पलट जाओ ना प्लीज। पहले मेरी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी कार्तिका, रोज एक फाइट, रोज एक केस। मेरे पापा कहते थे मेरे पैर जमीन पर नहीं रुकते थे, और तुम्हें देखने के बाद सच में मेरे ये पैर जमीन पर नहीं है कार्तिका। तुम मुझे सच में बहुत पसंद हो, अगर तुम हाँ कहोगी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है कार्तिका। परसों जो एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है, क्लास का टॉपर है कार्तिका। कार्तिका तुम नहीं, तुम एम कार्तिका हो, जो क्लास में फर्स्ट आई है वो एल कार्तिका है। मैं? हाँ तू ही बेटी, खड़ी हो जा। गिव हर अ बिग हैंड्स। थैंक्स। ये कहाँ चला गया? अरे क्या करे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमाल। और क्या? अरे मेरे सामने ही ये एक्टिंग नहीं मिली थी तो दुखी, मिल गई हूँ तो दुखी, बात क्या है? तब ना मुझे पढ़ाई आती थी और ना ही तुम्हें, लेकिन अब तो सब चेंज हो गया है, तुम तो क्लास टॉपर बन गई हो, तो सोचा मैं ही साइड हट जाऊं। मतलब पहले जहां भी मिलते थे वहां मुझे डिस्टर्ब करते रहते थे, अब सडनली साइलेंट होकर मेरी कंसंट्रेशन बिगाड़ के डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा क्यों? ठीक है। क्या ठीक है? मैं जो बोल रही हूं उसका जवाब दो, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ठीक है। ओह ये पागल हो गया है, चलो जाओ। हाँ? पापा के साथ फ्रेंडली होना चाहती थी, नहीं हो पाई। माँ के साथ ओपन होना चाहती थी, नहीं रह पाई। मैं खुद अपने आप में रहना चाहती थी, नहीं रह पाई। मैं दूसरों की तरह रह रही थी, पर तुमने देखा कि वो मैं नहीं हूँ, इसलिए डिस्टर्ब हो गई थी। तुमने आइडेंटिफाई किया कि असल में मैं क्या हूँ। मेरे अंदर जो बदलाव आया वो तुम्हारी वजह से आया। अब ये सब होने के बाद तुम साइलेंट होकर जा रहे हो। क्या कहा? जरा फिर से कहना। मैं नहीं हूँ, ये बात तुमने आइडेंटिफाई की थी। मेरे अंदर जो बदलाव आया है वो तुम्हारी वजह से आया है, और उसके बाद साइलेंट होकर जा रहे हो। तुम्हें मार्क्स के साथ बातें भी करना आ गया, आओ। अगर हमारे बीच के डिस्टेंस को मिटाना है तो पापा को इम्प्रेस करना होगा। इम्पॉसिबल। हाँ? तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, ये इम्पॉसिबल है। भाई एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे एक इंस्टॉलमेंट भरना है पेटीएम में। क्या? कार्तिक के डिटेल्स चाहिए। अभी देता हूँ। वैसे डिटेल्स लेना इतना इजी नहीं है, वो लड़की जो है वो बेटी है केशव ओंकार की, वो तेलुगु वालों में सबसे बड़े हैं। भाई डरा रहे हो या फिर डर रहे हो? बस जरा संभल के बोल रहा हूँ। पागल कहीं का। भैया हाँ, मुझे भूल तो नहीं गए? उसकी बेटी के प्यार में पड़ गया। हाँ भैया, कार्ड दे दिया तो सोचा आइडिया भी दे दोगे, लेकिन उस केशव बोलू को कैसे इंप्रेस करूं? वो तेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। वो किस लिए? अरे तूने जो कमाल किया ना उसके आदमियों को मार करके, इसीलिए वो तेरी बहादुरी से बहुत प्रभावित हो गया है, इसलिए सोच रहा होगा कि अपनी बेटी की शादी तुझसे करवा दूं। थैंक्स। मैंने कोई आइडिया नहीं दिया भाई। पर मुझे तो आ गया ना भाई। गांव का चरित्र हमारा चरित्र होना चाहिए। अगर तुम दोनों में दुश्मनी है तो क्या एक दूसरे को मारोगे? पर जिससे दुश्मनी नहीं उस पर हमला क्यों किया? क्या बात कर रहे हैं सरपंच जी, कब किसके ऊपर हमला किया? भाई उस दिन जो बच गया था वो यही है।
सर मैं हैदराबाद से यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। जैसे मैं बस से उतरा तो वो आपका आदमी है ना, वो मुझे बोला कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है और इडली सांभर खिलाने के लिए मुझे यहाँ पर ले आया और इडली सांभर का ऑर्डर दे दिया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो वैरायटी वैरायटी के ऐसे ऐसे चाकू लेकर आ गया था। मार देते तो मेरी समाधि बन जाती सर, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देखता। अरे रे रे, हमारा कुछ नहीं कर पा रहे तो किसी बाहर से आए हुए आदमी पर अपनी ताकत दिखा रहे हो। ए, एक बार आमने सामने आ जाओ फिर पता चले इसमें कितनी ताकत है। देख लूंगा। देखिए सरपंच जी, कोई कुछ भी बोल दे तो उसके लिए पंचायत रखना बहुत गलत बात है। यहाँ आने से पहले हमने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी और पंचायत का काम सिर्फ बातों से नहीं चलता, सबूत चाहिए। अबे सफेद दाढ़ी तेरी तो। तुम लोगों ने इसको देखे बिना इसके साथ फोटो खिंचवा लिया। ये फोटो क्या है रे? सेल्फी बोला था भाई, इसीलिए मैंने। तुझे सेल्फी लेनी थी हाँ? अरे तेरा चीज़ है कि सारा क्या? कोई भी नया आएगा तो क्या उसके साथ तुम ऐसा बर्ताव करोगे? या तो तुम पंचायत के सामने माफी मांगो, नहीं तो एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जगह कोई और लीडर होगा। माफ कीजिए सरपंच जी। चलो रे। चलो। फर्स्ट टाइम बिना कुछ भी खाए हमारा पेट भर गया। एक बार जरा हमारे घर आओ, खाने पर जरूर दावत करेंगे जमकर। हेलो मिस कार्तिका, मिसेस बनने के लिए तैयार रहो। हाँ? तुम्हारे पापा मुझ पर फुल इम्प्रेस हो गए हैं, बोले फ्री होते ही खाने पर आ जाना। ऐसा क्या? कल हमारे घर पर फंक्शन है, तुम कल ही आ जाओ। क्या बात है। ब्रो कहाँ जा रहे हो? बिरयानी खाएगा? हाँ कहाँ पे? बिरयानी खाने के लिए तेरे ससुर के घर पर क्यों? देखेगा तो जान से मार डालेगा हमें। अरे डर मत, मेरे ससुर जी मुझ पर फुल इंप्रेस हो गए हैं और उन्होंने खुद मुझे खाने पे बुलाया है। अच्छा मेरे ससुर जी का घर पता है? घर तो कमाल का बनाया है। ऊपर की तरफ भी लगा दो। घर पे तो बराबर लेकर आया है तू। ए डर वाली तो कोई बात नहीं है ना? अबे तू मुझ पर शक कर रहा है? अबे बेवकूफ, क्या धीरे धीरे काम कर रहा है? अभी अंकल से शिकायत करता हूँ तेरी। क्यूट बॉय है रे तू, साइकिल चुराने बोले तो बाइक चुरा लेगा। लेकिन मैं तो बुलेट लेकर आया हूँ। आजा। ए, इतना क्या खा रही है? वजन कम कर अपना, नहीं तो फट जाएगी। क्या कर रही है? पूरे घर में पानी कर दिया। ए, क्या है ये सब? तू बच्चों के साथ बच्ची बन गई? ये पकड़, जाकर वहां बांध दे। माँ जा। बहुत मजा आया यार। देख रहे हो? हाँ बीटे एक थर्ड ईयर। चल हट। चला जाऊं? पर हो क्या रहा है? अंकल के घर पर अंकल नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा? ये तो तमिल लोग हैं ना? तो हम लोग भी तमिल ही हैं ना? अरे किसने बोला मैं तमिल वाला हूँ? मैं तो तेलुगु हूँ ना। तूने ही तो कहा था कि रजनीकांत का फैन है। रजनीकांत के फैंस जापान वाले भी हैं, तो क्या मैं जापान वाला हो गया? आंध्रा का है पूछा तो मना किया था ना। हाँ तो अभी हैदराबाद तेलंगाना में है ना। जोक मत कर, तूने हमारे साइड से फाइट की थी। मुझे फाइट करना इंटरेस्टिंग लगता है, मैं किसी के साथ भी फाइट कर सकता हूँ। पागल है क्या तू? मेरी शक्ल देख के तूने नहीं समझा कि मैं तमिल?
एलियन हूँ। अबे शक्ल पे लिखा होता है क्या? अबे तू हमें मरवाने वाला है, अब क्या करे क्या करे? हमारी साइड का है, सोच कर तुझे लड़की पटाने में मदद कर रहा हूँ मैं। अगर ये बात उनको पता चल गई तो काट के फेंक देंगे हमें, अब क्या करे? मैंने एम कार्तिका को बोला, तुम एल कार्तिका हो, बैठ जाओ। केशवम कार की बेटी, वो तेलुगु वालों में सबसे बड़े हैं। ए, उसकी बेटी का नाम भी कार्तिका है। फंस गया यार। एस्केप। कुछ कर पा भाई, वो आ गया। पिताजी के जन्मदिन पे वो बकरे की नहीं इंसान की बलि मांग रहे हैं, इसका तो सर काट दूंगा। काट डालो। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो, कहाँ हो? लाइफ में फर्स्ट टाइम पापा घर की याद आ रही है। हाँ? उसे घर की याद आ रही है, बहुत बदल गया है अब तो वो। सारे बच्चों और औरतों को अंदर लेके जाओ। रुको बेटा, हमारा दुश्मन होने के बावजूद ये यहाँ पर क्यों आया है, ये जानना बहुत जरूरी है। आया नहीं अंकल, उसे यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। मैं तमिल हूँ अंकल, तमिल हूँ मैं तमिल हूँ भाई। बेटा तेरे से ज्यादा होशियार हूँ मैं, तू मुझे फंसाना चाहता था ना, तुझे मैंने फंसा दिया। आई एम सेफ। भैया तमिल है तो क्या हुआ, इसने हमारे घर में कदम रखते ही मुझे ताने दिए थे। आग में घी डालने आ गए। ए, इतना क्या खा रही है, वजन कम कर अपना, नहीं तो फट जाएगी। पुत्री तो ये नहीं वो नहीं, दोनों को खत्म कर दो। ऊपर आया तो करंट लगेगा। पानी में डालूं क्या? अबे गधों, दिखाई नहीं देता तुम लोगों को, पीछे हट जा वरना झटका लगेगा। अरे बाप रे, इमोशनल में इनको ये भी नहीं पता चला कि करंट चला गया है। अब क्या करूं? तुम लोग अपने हथियार नीचे डाल दो, हम लोग चले जाएंगे। फेंक दो रे हथियार, जल्दी फेंको। दादा की है। दादा तो नहीं है ना? क्या सोच रहा है, उनकी जान जान है और हमारी जान जान नहीं, डाल दे डाल दे। अबे जरा ठहर जाओ। ए, क्या बात कर रहा है, तेरे पास हिम्मत नहीं है तो मुझे दे, मैं डालता हूँ, सबको हिला दूंगा। बाइक की चाबी दे। ये ले, तो गाड़ी स्टार्ट कर। ये अब कहाँ डालना है, डालते रहे, मैं तो चला। अब बोलो बॉयज, What to do and what not to do? डालू मैं? डालू? इधर डालू? इधर डालू? जैसे ही टीवी चालू किया, बिजली चली गई। आ!
अबे तो फिर से आ गया। अरे भागो! मैं मर जाऊंगा, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मैं अपने दादा की इच्छा कैसे पूरी करूंगा, उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। अबे तेरी वजह से मुझे जिसको इम्प्रेस करना था उसी से पंगा ले लिया मैंने। अरे कार्तिका बोले तो कौन से कार्तिका पूछना चाहिए था, पैसे लेते समय पैसे में इंटरेस्ट काम में नहीं है गधा कहीं का। अरे भाई तुम तेलुगु वाले हो ना, इसलिए मैंने तेलुगु वाला समझ के उस तेलुगु वाले की सारी डिटेल्स आपको दे दी थी भाई। तुझे पहले से पता था कि ये तेलुगु वाला है? हाँ पता है। कैसे? जब मैंने कौन सा गांव पूछा तो हैदराबाद बोला था। तब तरीकी ये छोड़कर मैंने सब कुछ पूछ डाला और मेरा वो दोस्त गोपाल बोलता रहा ये तेलुगु वाला है तेलुगु वाला है। मैंने नहीं सुनी उसकी बात, पागल हो गया था मैं, आंखें बंद करके वेज को नॉन वेज समझ के खा गया। अरे जो हो गया सो हो गया, सब छोड़ना यार उस बारे में क्या सोचा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, आजादी 15 अगस्त को मिली थी तो क्या हम हर 15 अगस्त को उसको याद नहीं करते हैं क्या? अबे आज तुझे आजाद कर तेरा क्या गया, तू क्या मारेगा? बीच में बलि का बकरा तो मैं बन गया ना, गांव में गया तो वो मार डालेंगे और यहां पर स्टूडेंट्स मार डालेंगे और उधर पता चला तो तेलुगु वाले मार डालेंगे। तूने फंसा दिया मुझे यार, क्या करूं। माफ करना मैंने तेरी बात नहीं मानी, ये हमारा ही बंदा है। तुम लोगों ने कैसे पता लगाया? वो क्या है ना कि वीकेंड में भी दारू पी रहा है ना, इसीलिए। यहाँ क्यों आए हो तुम? ए तू इधर। मैंने देखा ये तेलुगु वाले से बात कर रहा था, कोपचे में लेके इसको अच्छे से धो डाला मैंने। बात करा तो धो डाला, रूम में रखेगा तो? नहीं पता होगा तो रहेंगे, पता होगा तो क्यों रखेंगे? अरे कैसे भी छुपा के रखोगे ना, हम उसे सूंघ लेंगे। अरे ये तो ठीक है कि मैं था, अगर गुरु भाई होता ना तो उसे गधे पे बैठा के पूरे गांव में घुमाता, समझा? थोड़ा शांत हो जाए। क्या शांत? मेरे सामने बात करेगा तो चलेगा, मगर तेरे सामने बात किया तो चलेगा क्या? गुरु गुरु मुझे माफ कर दो गुरु, मैं कभी तेलुगु वालों से बात नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे गुरु नीचे देख, इसकी सुसु निकल गई है, तू इसकी चिंता मत कर, हम इसे देख लेंगे। चल सुसु कर दिया, चल। बेचारा सुसु उसने नहीं, तूने किया है। वो मेरे गांव आया, पकड़ नहीं पाए, मेरे करीब आया, समझ नहीं पाए, मेरे घर आया, कुछ नहीं कर पाए, फिर तुम लोगों को पालने का क्या फायदा? रुको, बस अपने दो, अपने गुस्से को शांत करो, आज के बाद वो जो भी करेगा मुझे पता चल जाएगा। क्या? कल करंट गया तो पता नहीं चल पाया, वो जो करेगा वो पता चलेगा। पंचायत रखेंगे तो इज्जत चली जाएगी, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मन को शांति नहीं मिलेगी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, कुछ तो करना पड़ेगा। जाओ तुम लोग। कॉलेज का लड़का बोल रहा है, तेरी बेटी को नहीं पता है क्या? हमारे गांव में जो कदम रखने के लिए डरते हैं वो घर पर आ गया, इतनी हिम्मत किसने दी उसे? अजीब से कपड़े, बालों को कलर और इंग्लिश में बातें करती है, बाप रे क्या ये हमारे घर की बहू बेटियों के लक्षण हैं? और पढ़ाई में कौन सी अच्छी है, हमारा मुर्गा जितने अंडे नहीं देता उससे ज्यादा तो तेरी बेटी लेकर आती है घर में। अगर इंजीनियर बन भी गई तो उससे क्या होगा मुथु, किसी के साथ अगर इंग्लिश पिक्चर देखने चली गई तो देखने वाले तेरे मुंह पर थू थू करेंगे। हाँ कार्तिका, कार्तिका! पापा? जो लड़का कल आया था वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? जी पापा। क्यों आया था? इस पुठी नहीं फसाया है। बंदर कहीं की। जवाब दो। आप मुझ पे शक कर रहे हैं पापा? अब हमारे घर में फंक्शन है तो लाखों लोग आएंगे ना, अब वो भी आ गए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे बाप रे, इसने तो फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। अगर ऐसे रहना तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ठीक है, कॉलेज छोड़ के घर में बैठो। अब बॉय का मजा। मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि मुझे नहीं पढ़ना है, आप ही ने कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जबरदस्ती मुझे हॉस्टल में डाल दिया। ठीक है, माना कि आपका गांव में नाम बड़ा है, लेकिन बस इसलिए कि आप घर से बोल सको कि मेरी बेटी इंजीनियर है। मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी और फर्स्ट क्लास पास भी हो गई, और आपको पता है पूरी क्लास ने मेरे लिए क्लैपिंग भी की थी। प्रिंसिपल को फोन कर रहे मुथु, इसकी पूरी जन्म कुंडली बाहर आ जाएगी। आप चुप रहिए, मेरे पापा को मुझ पर भरोसा है, वो फोन नहीं करेंगे। वहाँ देख प्रिंसिपल साहब। हाँ बोलो।
मैं वीरा मुथु बोल रहा हूँ, मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? स्पीकर पर डाल। She is very bad student. मैंने क्या कहा था? अगर किसी ने ऐसा बोला तो उसे एक घंटे उठक बैठक करना पड़ेगा। She is brilliant student. इस बार के एग्जाम में she is a topper. ये है मेरी बेटी। कल से तू कॉलेज जा बेटा। ठीक है। ए स्वामी। गुस्सा आए तो भी नहीं रोक सकता और खुश हो तब भी नहीं रोक सकता। किस्मत मेरी। ओए। चल हट, चल जा। यार आजकल बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा मेरा। ए, सच कह रहा हूँ मैं। फ्रेंडशिप तो तुम्हारी है, साथ में आते हो साथ में जाते हो। भाई तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, तुझे क्या समझ में आया बताना। एक सांप ने एक पावर से दोस्ती कर ली, दोनों जो है एक साथ रहते थे। एक दिन पावर चला गया तो पता चला कि ये तो सिर्फ सांप है। अब सांप के अंदर जहर नहीं था, वो क्या है कि सांप के अंदर से उसका पावर चला गया था। लोगों को पता चलेगा तो सांप को मार देंगे ना। सांप की तरह पावरफुल तो तुम हो भाई, कुछ सोचो ना हमारे बारे में। अपने पिताजी से बोलना अगले साल की फीस तैयार रखें सेफ्टी के लिए। बैल कहीं का। ए फोन लगाता हूँ जवाब नहीं देती, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं, क्या हुआ है? बोलो ना जवाब दो। जब तक बात नहीं करोगी हाथ नहीं छोड़ूंगा। हमारा मेल नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम तेलुगु हो? तुम तमिल हो ये मुझे बताया? अगर जात पात का टेंशन था तो पहले ही पूछना चाहिए था ना, यहाँ कौन तेलुगु कौन तमिल कैसे पता चलेगा? ये मेरी किस्मत है। अरे उस गधे ने इन्फॉर्मेशन दी तो उस गधे को इम्प्रेस किया तुम्हारे बाप को छोड़कर, अब तुम्हारे बाप को इम्प्रेस करना चाहूंगा तो हो नहीं सकता। तुम्हें जाने बिना मैंने तुम्हें चाहा यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वर्कआउट नहीं होगा, भूल जाओ मुझे। ओहो मैं तेलुगु वाला हूँ ये जानकर चाहत कम हो गई है। तुम नहीं जानते ये इतना आसान नहीं है। एक तेलुगु घर आ गया था तो तुमने देखा ना क्या हो गया था। अब अगर हम दोनों को मिलना है तो पहले हमें दोनों गांवों को मिलाना होगा और ये तो इस जन्म में होने से रहा। ए सत्या, तूने तेलुगु वाले को रूम में क्यों रखा है? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ही हूँ, तुझे जगाने के लिए किया। क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है तू भाई? सुख नहीं है, संतोष नहीं है, कम से कम सोने तो दे ठीक से। लाइफ को नींद लेकर खराब नहीं करना चाहिए, मरने के बाद तो वैसे हमेशा के लिए सो जाएंगे। लगता है तू ही मार डालेगा। अच्छा ये बता, ये दो गांवों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो वीर और केशव जब तक एक नहीं होंगे ना गांव एक नहीं होगा। मेरे ससुर जी बहुत मूर्ख हैं, बात नहीं सुनेंगे। और कैसे मिला सकते हैं? बिरयानी खाएगा? कहां पर? बिरयानी के नाम पर हमेशा हलाल करने के लिए सोचता है, इन्हें पता चल गया कि मैं तमिल हूं तो काट डालेंगे। अरे इसलिए तो ये टी शर्ट पहनाया है तुझे। अरे बाप रे। बेटा तुम्हारे आने से घर में रोशनी आ गई, आ जाओ। ये कौन? मेरा फ्रेंड है अंकल। भाई मुझे तो ये उस पार्टी का लगता है। टी शर्ट नहीं देख रहे किसकी तस्वीर छपी है? आंखें चली जाएंगे शक करने से। आ जाओ आ जाओ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूँ। अच्छा खाना बिल्कुल गर्म है, शर्माना मत, पेट भर के खाना। ठीक है अंकल। बेटी कार्तिका। हाँ पापा। अरे बेटा तेरा क्लासमेट आया है, आना। केशव अंकल अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपने अपनी बेटी का नाम कार्तिका ही क्यों रखा? उस वीरा मुथु ने अपनी बेटी का नाम कार्तिका रखा इसलिए। क्या सिर्फ उसी की बेटी सौभाग्यवती है? मेरी नहीं, सिर्फ ये नाम वही रख सकता है, नहीं, मैं नहीं रख सकता क्या? इसीलिए रखा, दिखा दिया कि कार्तिका नाम मैं भी रख सकता हूँ। खाना खाओ। अब इस घर में एक बेटे की जो कमी है, जो मेरे दुश्मनों को मार भगाए है, मैं ऐसा दामाद तुम में देख रहा हूं। क्या तुम मेरी कार्तिका से शादी करोगे? सर मैं वीरामुत्तु की बेटी से प्यार करता हूं। काट डालो इसे। मैं यहां तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूं और तू दुश्मन की बेटी से प्यार करने की बात कर रहा है।
आपकी बेटी से शादी करके क्या मिलेगा? आपकी बेटी को पति और आपको दामाद मिलेगा बस। और वही अगर मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा? करेगा तो? अगर करूंगा तो उस घर का दामाद बनूंगा। मतलब वो क्या तेरे पांव धोएगा? यानी वो हमारे सामने सिर झुकाएगा? ये हुई ना बात, इसे प्लान कहते हैं। Excuse me. ये बता, वो लड़की तुझसे प्यार करती है क्या? जान दे देगी सर, हमारी शादी के लिए आपकी हेल्प चाहिए। बेटे अब तू इस विषय को छोड़ दे, तेरी शादी पूरे गांव वालों को पता चलेगी। वीरा मुत्थू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा। तेरी शादी मैं धूमधाम से करूंगा, जबान दे रहा हूं। वो लड़की तेरी ही होगी, जा। कोई बताएगा क्या हुआ? कोई काटने वाला नहीं था, औरतों का सहारा लेके घर में कदम रखा। ये क्या हो रहा है सर? मैंने क्या बोला था, वीरा मुत्थू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा। तेरी शादी मैं धूमधाम से करूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद उस लड़की से शादी कौन करेगा? उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तो ही उसका दामाद है, ये फिक्स हो चुका है। लेकिन सर ये सब करना तो गलत। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सब तुम्हारी भलाई के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि सरपंच जी क्या बोलते हैं, इन्हें फैसला सुनाना ही पड़ेगा। सुनो, जो हो गया सो हो गया कहकर बात को खत्म करोगे, ऐसा नहीं चल सकता। क्यों केशव, क्या किया तुमने? ये एक लड़की की इज्जत को सरेआम उछाल दिया, ये बात कैसे भूल गया तू कि एक लड़की की इज्जत गंगा की तरह पवित्र होती है। अगर उस लड़की की हाय लग गई तो सत्यानाश हो जाएगा। जल्दी मुत्थू से माफी मांग। सरपंच जी, क्या हुआ? मेरे खिलाफ बात करेगा तू? तुझे जिस जायदाद पे घमंड है ना, उसे खरीद कर मैं तुझे इस गांव से निकाला दे सकता हूँ। या तो माफी मांग या ये गांव छोड़कर जा। मुझे माफ कर दो मुत्थू। देख बेटा, तू गांव में बाहर से आया है, गांव में लफड़ा क्यों कर रहा है? कॉलेज में डिग्री लेने आया है ना, तो वही काम कर, जान पे मत खेल। आज के बाद गांव के किसी मसले में टांग अड़ाई तो पंचायत बीच में नहीं आएगी। सुन रहे मुत्थू, निपटा देना। सरपंच जी, अगर बेइज्जती हुई तो शमशान बना दूंगा। एक हफ्ते के अंदर अपनी बेटी की शादी तय करके उसकी शादी करवाऊंगा। अगर कोई भी बीच में आने की कोशिश करेगा तो पंचायत नहीं पंचनामा होगा। ए, चलो रे। चलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय गर्ल्स, बाय। रीजनल फीलिंग्स पर आधारित है ये कॉलेज, और तुमने इसका मीनिंग ही बदल दिया। इस गांव के झगड़ों का असर मेरे कॉलेज पर ना पड़ने पाए, मैंने हमेशा यही चाहा है। और ऐसे में मेरे कॉलेज के स्टूडेंट की वजह से इस गांव में झगड़ा हुआ। जो लोग मेरे कॉलेज की तरफ आंख उठाकर देखते नहीं थे, वो मेरी तरफ उंगली उठाकर अपनी बेटी को लेकर गए। यू आर अ ब्लैक मार्क इन माई करियर। I am going to rusticate you from this college. आपको जो दुनिया नजर आती है वो नहीं है सर। आप जैसा सोच रहे हो वैसा यहाँ पर कुछ करेक्ट नहीं है। हर कोई यहाँ पर बस नाटक कर रहा है।
सीसी कैमरे के सामने अलग और आपके सामने अलग। कॉलेज में फ्रेंड्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग मिल चुके हैं। रीजनल फीलिंग्स उनके खून में हैं, इसलिए तमिल वाले समझकर तेलुगु वाले नफरत करने लगे और जैसे उनको पता चला कि मैं तेलुगु वाला हूँ तो तमिल वाले नफरत करते हैं। गाँव में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है सर, यहीं पर एक दूसरे की जान के दुश्मन है। कमीनों ने हमारे साथ धोखा किया, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। चलो तेलुगु वाले के लिए तेरा क्या ओपिनियन है? बहुत अच्छे लोग हैं। पीठ पीछे वार किया तूने? हाँ, कौन सी पीठ की बात कर रहे हो भाई? रुको, क्या आपस में लड़ाई कर रहे हो? तुम्हें पीटने के लिए आज हम लोग आए हैं। चलो रे। हाँ तो आजा। आजा। रुक क्यों गए? मारो ना, यहां तो कैमरा भी नहीं लगा है। ओहो, मैं समझ गया, तुम लोग यहाँ इसलिए मारपीट करते हो कि मुझे पता न चलने पाए। मेरे सामने बहुत डिसिप्लिन्ड नजर आते हो। तुम लोग कॉलेज की फीस नहीं भर सकते, स्कॉलरशिप देता हूँ मैं। एग्जाम फीस नहीं भर सकते तो एक्सक्यूज देता हूँ मैं। खाने के पैसे नहीं होते तो अपनी सैलरी से कैंटीन का बिल भरता हूँ मैं। और इसीलिए तुम लोग मेरे सामने डिसिप्लिन का ढोंग करते हो। धोखेबाज हो तुम लोग। इस तरह झगड़ने से क्या फायदा होगा तुम्हें? अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी या तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। कोई फायदा हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। राज्य भले अलग है लेकिन देश तो एक है। ये बॉर्डर को लेकर झगड़े क्यों कर रहे हो? भूल जाते हो कि हम सभी भारतवासी। मैं नेक्स्ट जनरेशन तैयार कर रहा हूं और इस जनरेशन में मैं स्टेट की फीलिंग को जड़ से खत्म करना चाहता हूं। लेकिन तुम लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। तुम लोगों को ना सुधार पाना मेरी अपनी गलती है, इसलिए मैं इस कॉलेज से अपने आप को रस्टिकेट कर रहा हूं। गुड बाय। आपको नहीं बोलना चाहिए सर, मुझे बोलना चाहिए। दरअसल पैसों के लिए मैं बहुत नीचे गिर गया था, इनके बीच दूरी नहीं पैदा करना चाहता था सर। मैंने जो गलती की है उसके लिए आप कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे तो कॉलेज की नींव हिल जाएगी सर। ये पाप मुझ पर मत चढ़ाइए सर। हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं सर, आज हमें बहुत अफसोस हो रहा है, हम सच में शर्मिंदा हैं सर। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा स्टूडेंट बनकर दिखाएंगे सर, हमें एक मौका दीजिए सर। सर हमारा यकीन कीजिए, अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे, अब से हम दोस्त की तरह रहेंगे सर। आई एम सॉरी भाई। भले ही अनजाने में तुमसे गलती हुई लेकिन अच्छा ही हुआ। यही बदलाव मैं पूरे गांव में चाहता हूँ और इस कोशिश में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो। सर वीरा मुत्थू जी का घर यही है। अच्छा पापा, आफ्टर ड्राइवर, जहाँ हम बोलेंगे वहाँ वो गाड़ी रोकेगा, उसके बोलने से हम नहीं उतरेंगे। शो सम एटीट्यूड। अरे बेटा जाने देना, अभी देरी हो रही है। मम्मी बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, अक्कड़ बक्कड़ खेलना पड़ेगा, बाद में खेल लेंगे। जब मैंने कहा कि अभी मतलब कि अभी। कार को चलाते रहो, जब बेटा बोलेगा तभी रोकना। आई लव यू डैडी। गाड़ी यहीं पर रोको। पापा ये वीरा मुत्थू का घर है ना? एक बार देखा था बेटा, क्या याददाश्त है तेरी। ये सब आपकी देन है मम्मी। काफी तो बड़ी अच्छी बनाई है भाई साहब। मेरे बेटे का नाइजीरिया में नर्सरी का बिजनेस है। हाँ। खेती करते हैं क्या? अब ये क्या खेती की बातें लगा रखी है, लड़की को दिखाइए ना जल्दी। पान की खुशबू लो। बच्चे को छोड़, लड़की आई है देख। ये लड़की तो एकदम मोम की गुड़िया है। कुछ भी मत बोला करो मेरे सामने। आपकी नहीं मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। इनके साथ 2 मिनट्स प्राइवेट बात करना चाहता हूँ विदाउट योर परमिशन। आजकल तो ये सब कॉमन बात है ना, हम सब लोग इन्हें छोड़कर बाहर चलते हैं ना।
हेलो। पूरे गांव में पोस्टर का क्या लफड़ा है? क्या आपने किसी से लव किया है? आप मुझसे कह सकती हैं, यू कैन ट्रस्ट मी, एक दोस्त समझकर बोल दीजिए प्लीज। हाँ, मैं एक लड़के से डीपली प्यार करती हूँ, तुमसे शादी तो कर लूंगी पर दिल में वही रहेगा। अब क्या बोलूं मैं, नॉट जस्ट लव, जस्ट ट्रू लव। हैट्स ऑफ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ प्लीज? ओके, डायल कीजिए ना। हेलो। हेलो, कौन? हेलो ब्रो, जस्ट अ मिनट। हाँ, जो बात आपने मुझसे कही एक बार फिर से दोहराएंगे प्लीज? तुमसे शादी हो गई तो भी दिल में वही रहेगा। कार्तिका, थैंक यू सो मच ब्रो। मैं सोच रहा था कि लाइफ में रिवेंज लेना खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारी वजह से फिर से चांस मिल गया। रिवेंज मतलब? मैंने एक लड़की से डीपली प्यार किया था, ठीक शादी के टाइम उसका लवर उसे शादी के मंडप से उठाकर ले गया, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था मेरी लवर ने किसी और से शादी की है तो मैं भी किसी दिन किसी और के लवर से ही शादी करूंगा। अबे तू पागल हो गया क्या? किसी और का रिवेंज मुझ पर क्यों? देख, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ये मामला भी ऐसा ही है। ए क्रो ब्रदर, एक हफ्ते के अंदर मैं इस लड़की से शादी करूंगा। शादी रोकने के लिए जो तू कर सकता है वो तू कर ले। प्यार में धोखा मिलने में जो फीलिंग मुझे हो रही है वही फीलिंग तुझे भी होनी चाहिए। तेरे कैरेक्टर को जानने के लिए तेरे दोस्त का पता लगाना होगा और तेरी कैपेसिटी जानने के लिए तेरे दुश्मन का। ये एक तमिल फिल्म का डायलॉग है जो तुझे मैं आज हिंदी में सुना रहा हूं पूरे दिल से। आज से तू मेरा जानी दुश्मन है। ए पापा, वो लड़की मुझे पागलों की तरह पसंद आ गई है। एंगेजमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट शादी। एंगेजमेंट के बिना शादी कैसे होगी? भाई साहब, डायरेक्ट शादी कर लेते। आई लव यू डैडी। एक हफ्ते में शादी कैसे? और शादी भी एक मेंटल के साथ? आप सिर्फ हाँ बोलो उसे उठा कर ले आते हैं। ये तू बेवकूफ है क्या? प्यार करने वाली लड़की कोई उठा के लाता है क्या? मेरे भाई, तू तो केशव को पसंद है ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? भाई तो गांव में नहीं था ना, एक सप्ताह नहीं था, ससुराल गया था, कल ही तो आया हूँ। अबे तेरे मैं जिससे प्यार करता हूँ वो वीरा मुत्तू जी की बेटी है। वीरा मुत्तू जी की बेटी? लेकिन तूने तो केशव का डिटेल मांगा था ना। मिसअंडरस्टैंडिंग भाई, तू इस लफड़े में क्यों पड़ गया? किसी तेलुगु लड़की से शादी करनी चाहिए थी ना। अरे तमिल लड़की में क्या कमी है, जो तेलुगु में है वही तमिल लड़की में भी है। बकवास कर रहा है बैठ के। हम तेलुगु में, तेलुगु तेलुगु। तू तमिल वाला है ना? क्या बात कर रहा है यार, मैं बचपन से मेगा स्टार का फैन हूँ, उनकी स्टाइल में मैं डांस भी करता हूँ। चुप बैठना। मुझे तो वही लड़की चाहिए। लड़की तभी मिल सकती है जब ये दोनों गांव एक हो जाएंगे, और एक करने के लिए पहले झगड़े की वजह पता करनी होगी। हमारे मास्टर जी को पता है, गांव के झगड़े के बारे में कहानियां सुनाते रहते हैं। अगर एड्रेस चाहिए तो भाई साहब से पूछो। अरे बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, आपके गांव की कहानी जानने के लिए कॉलेज से लड़के आए हैं। बहुत खुशी की बात है, एक जमाने में हम लोग बिल्कुल भाई की तरह रहते थे। हाँ, एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, लेकिन अब एक दूसरे को काटते फिर रहे हैं। असल में ये गांव अलग हुआ क्यों? ये बात सन 1973 की है, जब मद्रास और तेलुगु को अलग अलग राज्य बनाया जा रहा था। तिरुपुरम गांव के लोगों को ये सूचित किया जाता है कि मद्रास से आंध्रा अलग हो रहा है, इसलिए राज्य सरहद का निर्माण हुआ है। इस प्रकार जो सरहद है वो तिरुपुरम के बीच में से निकलेगी। आप सब लोग आकर अपनी सिग्नेचर कर दीजिए, फिर इस गांव को दो हिस्सों में अलग अलग बांट दिया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार का ऑर्डर है। ए, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर ये बात हमारे जमींदार को पता चली तो जानते हो ना क्या होगा। इस गांव के जमींदार कौन है पता है? भूपति मुत्तू की जय। भूपति मुत्तू की जय।
भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहने वालों को अलग करने वाला तू कौन है? साहब ये केंद्र सरकार का आदेश है। मुंह बंद कर। यहाँ की हम सरकार है, हमारा राज्य है, हम हमेशा साथ रहेंगे और साथ मरेंगे। तूने क्या सोचा, तू हमें अलग कर देगा? तेरी समाधि तो हम लोग बनाएंगे। हमारे बीच में लकीर कोई नहीं खींच सकता। हाँ सही कहा, हम लोग साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। साथ जिएंगे साथ मरेंगे। साथ जिएंगे साथ मरेंगे। साथ जिएंगे साथ मरेंगे। साथ जिएंगे साथ मरेंगे। साथ मरेंगे। सोचा था कि हम ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन इस तरह सिग्नेचर करके हम लोग फिर अलग हो गए। ये क्या, पहले तो मिलजुल कर रहेंगे बोला और अगले दिन ही साइन करके सीधे सीधे अलग हो गए। अच्छा इस बीच क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ इनको? लगता है सर्दी हो गई है। ए कंबल देना ना भाई। कंबल की जरूरत नहीं है, दादाजी को दौरे पड़े हैं। अरे आराम से संभल के। हेलो हेलो, संभल के संभल के। कौन बोल रहा है? अरे मैं परम। हाँ परम बोलो। अरे यार तू किससे फोन पे बात कर रहा है इस समय? तेरी गर्लफ्रेंड का होने वाला पति हूँ मैं। अबे फोन रख। चल इधर 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 चल चल। आजा आजा आजा। अरे अंदर ले चल। उन्हें होश आ गया है। अच्छा ए, अंदर चलो। आओ दादाजी, उस दिन बोलकर आप बेहोश हो गए, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन भी मुझे फीट्स आया था और मैं गिर गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अरे तो इनको उसी समय निकल लेना चाहिए था ना। अबे चल चल यहां से। असल में गांव के झगड़े की वजह पता लगा नहीं होगी। आप लोग यहाँ पर कैसे? तुम्हारे पापा को फोन आया था। हेलो, मैं आपकी बहू का होने वाला पति बोल रहा हूँ। रॉन्ग नंबर। ब्लडी फूल। हेलो, कभी 10 भिखारियों को एक साथ खाना खिलाया तुमने? जो फोन फट से कट कर रहे हो, प्रिय क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम मेरी नहीं, आपके बेटे की है। वो जिससे प्यार करता है मैं उससे शादी करने वाला हूँ। ये जानकर उसे बहुत बैड फील हो रहा है। कल से सैड फील भी होगा और परसों मैड फील होगा। तुम डैड हो इसलिए उसे संभाल लो। उसने आपको फोन क्यों किया था? अब ये हमें क्या पता, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तुमने फिर से क्या आफत खड़ी कर दी ये जानने के लिए हम आ गए? एक मिनट। गुड मॉर्निंग ब्रो, तुम्हारे ही फोन का वेट कर रहा था सोने से पहले। अबे मेंटल, मेरे पापा को फोन क्यों किया था? सिंपल दोस्त, तूने मेरा फोन कट किया, मेरे दिल को बुरा लगा, इसलिए तेरे डैड को फोन किया। मेरे पापा का नंबर तुझे कहां से मिला? अरे तेरा पापा कहीं का राष्ट्रपति है क्या? पागलों जैसी बात करता है। रिवेंज के लिए कोई लॉजिक नहीं होता को ब्रदर। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब से मेरी लवर मुझे छोड़कर गई है, मेरे लिए एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया है। नोटबंदी में ब्लैक मनी पकड़े जाने पर जितना दुख होता है ना, उतना ही दुख तुझे भी होना चाहिए। टाइम नहीं है को ब्रदर, शादी के कार्ड ऑर्डर दे चुका हूँ मैं। कुछ तो फाइट करो को ब्रदर, इट्स गेटिंग टू यू नो लेजी। देखते हैं किसमें कितना है दम। काउंटडाउन बिगिन। सांबर या दम बिरयानी, शंकर या राजा मौली। हुआ क्या था? सुन बेटा, हमें ना ये गांव चाहिए और ना ही वो लड़की। हमारे साथ चलना बेटा, ये बात आपको कहनी चाहिए। खुशी से रहने वाले लड़के को यहाँ भेज दिया, अगर कुछ हो जाता तो। माँ क्या मैं कभी भी किसी लड़की के पीछे भागा? क्या कभी किसी से बात की? लेकिन उसे देखने के बाद मेरा मन सीधे उस पर आ गया। अक्सर मैं झगड़ा झगड़ा करता था, लेकिन अब मैं झगड़ों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ माँ। तो सोचिए मुझे वो लड़की कितनी पसंद है। आप चाहते हो ना कि मैं जिंदगी में हमेशा खुश रहूं? मैं खुश तभी रह सकता हूं जब वो मेरी लाइफ में होगी। ये सब क्या है बेटा? कांता एक मिनट, जब इसे झगड़ा करने के लिए मना किया था तब ये माना था क्या? अब इसे प्यार करने से मना करेंगे तब मान पाएगा? मेरी बात तो सुनिए। इसे कुछ भी नहीं होगा, जाओ बेटा
तुम अपना काम करो, हम उस लड़की को हैदराबाद लेकर जाएंगे। थैंक्स पिताजी। ये अच्छी है ना? सही कहा, ये अच्छी है। निकाल कर रख दीजिए। हाँ हाँ, अरे सुन, हाँ? तूने कुछ खाया या नहीं खाया? कुछ देर पहले ही केला खाया था। छे, खा खा के मोटी हुई जा रही है, भुक्कड़ कहीं की। हर रोज इतने लोग मरते हैं, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी, ठरकी कहीं की। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? बात क्या है बता तो। एक बार उससे मिलना चाहती हूँ यार। बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, कैसे मिलेगी? अंकल, अंकल, एक उंगली अंकल का। नहीं दूंगा। नहीं, नहीं दूंगा। अंकल, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? मेरा डायलॉग मत मारिए अंकल, कार्ड प्रिंट्स हो गए हैं, सेंटीमेंट के मुताबिक सेकंड कार्ड आपको देने आया हूँ। पर सेकंड कार्ड क्यों? अकड़ बकड़। तो जल्दी हल्दी लगा कर दे दो ना समधी जी। अभी कभी हल्दी कहाँ से लगाऊं मैं? मिल गई हल्दी, एक मिनट, पूरे चेहरे पर हल्दी। ओ नो, झूला यहाँ पर बांधती आप? शादी में जरूर आइएगा, सीरियसली। क्या हाल होगा बेटा, टी या कॉफी? आपकी बेटी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपकी बेटी और मेरा बेटा जॉइंटली कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्यों है ना? सुपर माय डैडी। अकड़ बकड़ से बचना है तो यही कर। बुला उसको। मेरे सर में दर्द है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। तुम्हें बोल रहा हूँ, जाके उसे तैयार करो। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अकड़ बकड़। मतलब तुम इनकी बेटी को लेके जा रहे हो तो बताना तो जरूरी है ना? अच्छा, उसके कॉलेज में। कॉलेज में नहीं भेजोगे? वो सर में दर्द है ना। ओहो, बरगद के साइज की सहेली भी है। कदा कहीं का। अब फ्रेम में आ गई हो तो साथ ही चलो, आओ। जो सलाह देनी थी वो दे दी है ना? यही कि इसके साथ शादी कैसे करोगी? एक बार तो सोच लो, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऐसी बकवास सी सलाह देने के लिए तुम जैसी बेस्ट फ्रेंड बनी होती हैं। मैंने कोई सलाह नहीं दी इसे। पता है, तू खाने के अलावा और कोई सलाह दे ही नहीं सकती, मुझे पता चल गया। कथा कहीं का। हे, लड़की बहुत खूबसूरत है ना जी? बगल में एक बफेलो भी तो है। हेलो ब्रो, तेरी लवर मेरी वाइफ बनने वाली, इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसीलिए फर्स्ट कार्ड देने में तुझे ही आया हूँ। ये लो शादी का कार्ड। तू ऐसा फालतू काम करेगा, इसीलिए मैंने प्लास्टिक का कार्ड प्रिंट करवाया है, नहीं फटेगा। हेलो हेलो हेलो, ये फायर प्रूफ है, जलेगा भी नहीं। फेंकेंगे तो गिर जाएगा ना। गुस्सा गुस्सा, खुद को मार ब्रो, खुद को मार ब्रो। ऐसे इमोशनल एक्सप्रेशन चाहता हूँ तेरे चेहरे पर मैं। कुछ करेगा तब मजा आएगा ना, लेकिन ऐसे टाइम पर तू क्या करेगा? ए, यहाँ पर डायलॉग होना चाहिए कि ये लड़की मेरी बहू बनेगी, समझ गया ना बेटा? तुझे मेरे सर की कसम है, फिल्मों में सारी माँ यही डायलॉग मारती है, आप भी मारिए ना, मारिए। हरी, तुमसे 2 मिनट बात करनी है। हरी, तुमसे ही 2 मिनट बात करना चाहती है, जा, जो कुछ बोलना आज ही बोल देना, समझा? नेक्स्ट टाइम ऐसा मौका नहीं दूंगा। मेरा कार्ड फाड़ेगा। तू ट्राई कर ले, वो लड़की मेरे बेटे के साथ ही जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस है बेटे पर? विश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पक्का भरोसा है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई शक है? आपको विश्वास है ना? इस पानी को इस बोतल में डालकर दिखाइए। इसलिए मेरे सामने ये फालतू डायलॉग मत मारा करो अंकल, किसी अनपढ़ गवार के सामने मारना, मेरे सामने नहीं। क्यों इस बदतमीज के मुंह लग रहे हैं आप भी? लिप लॉक कर लेते हैं। गुड टाइमिंग है। तेरा बैड टाइम आ गया आंटी। साथ चलोगी मेरे? तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती, और अपने पापा को छोड़कर भी नहीं जा सकती। अरे बाप रे, कल ये मिल रहा है और शादी मेरी होगी इस लड़की से, तो इसको बहुत बुरा लगेगा, कितना मजा आएगा, है ना अंकल? मौके पे चौका मारूंगा मैं। तू गलती से इंसानों में पैदा हो गया है रे। आई लव यू अंकल।
हरी, मुझे बस तुम चाहिए। सर, एक घंटे के लिए आपकी कार चाहिए। रेखा, किस दे दो। अरे मैंने किस देने के लिए कहा था, किस नहीं। ओह सॉरी सर। देख रहा हूँ जब से ये आया है तुम बहुत बदल गई हो, नो डाउट। अरे उतरो उतरो, जल्दी उतरो। पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। आई आई बाबू राव। सर ये बूढ़े लोग यहाँ क्यों आए हैं? सर देखने से नहीं लगता कि आए हैं या उठा के लाए गए हैं। क्या कह रहे हो? चढ़िए चाचा जी। आजकल बूढ़ी औरतों को भी उठा कर ले जाते हैं। चलो उठाओ उठाओ। अरे 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 साथ में ले चलो। माया मोह के चक्कर में कभी मत पड़ना बेटा। तू भी अपने गांव से गायब। अरे बंदर कहीं के मैं पापड़ को देखने आई थी कि कहीं कौवे ना ले जाए, और तू वहां से मुझे ही उठा कर लेकर आ गया। अगर ये बात मेरे बेटे को पता चल गई ना, तो वो तुम सब लोगों का गला काट कर रख देगा। हाँ गला काटेगा। तुम्हारे घर आकर करंट लगाया तब तो कुछ कर नहीं पाया। ये हमारी जगह है, चुपचाप बैठी रहो वरना अदरक की तरह छील के फेंक दूंगा। यू ओल्ड ड्राई फ्रूट। दादाजी नाना जी मुझे माफ करना, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। एक जमाने में जब सब लोग एक साथ रहते थे, आज इतने अलग क्यों हो गए बताइए। ये पूछने वाला तू कौन होता है? उठा के लाया है तो कुछ भी पूछेगा, हम बताएंगे क्या? एक बार जहाँ थूक दिया ना, उसकी बात जुबान पे नहीं ला सकता। इससे पहले कि कुछ हो, हम लोगों को शराफत से जाने दो। ये क्या बोल रहे हो, वो क्या कह रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो? मुझे सिर्फ तुम्हारे पास ही है, हमारे पास नहीं। तुझे तो वो वहीं काट देता, अपनी बहन की शक्ल देखकर छोड़ दिया। ए, तुम चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो। हमने जो भी किया है सोच समझ कर किया है, हमसे अपनी तुलना मत करो। अरे ओ स्वामी, साथ में हमने जन्म नहीं लिया तो क्या, साथ में हम पले बढ़े तो है ना मेरे भाई। इतने साल हो गए हमें अलग हुए, एक साड़ी भी भेजी तुमने उसे कभी? और याद है जब वो पेट से थी, एक हल्दी की गांठ भी नहीं भेजी तुमने? और तुम्हें अपने बहन और जीजा याद हैं? जब वो मर रही थी बेचारी, तो भैया भैया कहकर आखिरी वक्त में तुम्हारा ही नाम ले रही थी वो। कहां से आया ये पता नहीं, दो गांव को मिलाना चाहता है। जो पता है बता दो, लेकिन यहां भी लड़ाई कर रहे हो। देखो बेटा, मैं बताता हूं सब कुछ। ये जो बात है वो सन 1978 की है। दादाजी उतना टाइम नहीं है, हम साथ मिलकर रहेंगे, साथ ही ऊपर जाएंगे, समझ गए ना? साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। 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 सरकार के आदमियों को वापस भेज देने के बाद सब लोग खुशी में दावत कर रहे थे। सब लोग मिलके आपस में खाओ, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। मरेंगे बिल्कुल नहीं, हम सब साथ में रहेंगे। चलो आओ, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सही कहा। उसके बाद अंदर क्या हुआ पता नहीं, अंदर तो दोनों गए थे गले में हाथ डालकर, पर बाहर आए तो दोनों खून से लथपथ। विश्वास मत करना, काट डालो सबको। अरे सुनो सुनो, तुम लोग कभी इनके साथ मत रहना, काट डालो सबको। अब तक जो लोग भाइयों की तरह रहते आ रहे थे, वो अब दुश्मन बन गए थे। दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई थी, दरार पड़ गया उन रिश्तों में।
तब भी एक दूसरे को मारा अब भी मार रहे। उस रूम में हुआ क्या था दादाजी? उस दिन उन दोनों के बीच उस रूम में क्या हुआ था कोई भी नहीं है जो इस बात को बता सकता हो। चलो रे। अरे 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 सर, इन लोगों को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? सर आप भी इनको छोड़ दो। रेखा किस किस मांगा तो किस दे रही हो? हेलो कार्तिका, गांव के झगड़े की वजह ही पता नहीं चल पा रही है और तुम्हारे घर वालों को समझाने का वक्त नहीं है, तुम चले आओ मेरे पास। हरी, तुम्हें मेरी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब लोग मेरे पापा को ताने मारेंगे, मेरी फैमिली तो जीते जी मर ही जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ हाँ बोलो, मैं अभी आकर तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हें जो बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती। अरे बेटा, इस गांव के बारे में। बेटा, ए बेटा, मेरा बेटा रो क्यों रहा है? चलो बेटा मारो, मारो पापा को मारो। हंसो तो बेटा। हंसी नहीं आ रही है पापा। ए, तुझे मैंने आज तक कभी हारते हुए नहीं देखा है बेटा, आज भी तू नहीं हारेगा। इस गांव के झगड़े के बारे में जानने के लिए मैंने रिवेन्यू रिकॉर्ड्स की छानबीन की। ये देख, ये इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। सन 1978 में दोनों जमींदारों की जमीन का एक बड़ा हिस्सा एक ही आदमी के नाम से ट्रांसफर हुआ है। देखना। नमस्ते 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 नमस्ते। हेलो भाई, वो जो तेलुगु गांव वाला लड़का है ना, वो सरपंच जी के घर में घुस गया है और हम सबको बहुत मारा है। वो लड़का गुस्से में आके कहीं सरपंच जी को मार ना दे, आप जल्दी से आ जाइए। भाई वो कॉलेज वाला लड़का है ना, वो गुस्से में सरपंच जी के रूम में चला गया है, पता नहीं क्या करेगा। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है भाई। बूढ़े, ना टाइम है ना पेशेंस है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब देना, गलत जवाब देगा तेरा सर फोड़ दूंगा और वो भी अभी के अभी। यहाँ के जमींदारों की आधी जायदाद तेरे नाम पे क्यों है? हाँ बोल, जो गले में हाथ डालकर अंदर गए थे वो खून से लथपथ बाहर कैसे आ गए? बोल, असल में रूम में क्या हुआ था? बता, बताता है या तेरा सर फोड़ दूं मैं। बताता हूं। सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यंतु, मा कश्चित दुख भाग भवेत। कन्या को लेकर आइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रा, कन्या को मंगल सूत्र पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। ये सब कैसे हुआ? बताता है या तेरा सर फोड़ दूं मैं। बताता हूं मैं। उस दिन आओ दोस्त, आ जाओ। आज बहुत ही खुशी का दिन है। ये मेरी तरफ से। तुम्हें जो भी चीजें पसंद हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। डायना, अरे मेरे दोस्त, दिल हो तो तेरे जैसा। मेरे दिल के अंदर जो रूप बसा था उस डायना को लेके तू ब्रिटेन से आया।
डायना तेरी नहीं, डायना मेरी है। दोस्त, what are you talking? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे अंग्रेज लोग बंटवारा करके चले गए लेकिन इसे मुझे देके गए। ये कैसी बातें कर रहा है तू? ये 5 साल से 6 महीने मेरे पास रहती है और 6 महीने लंदन में। अरे पागल, वो जो लंदन बोल रही है ना, वो पहाड़ियों पर मेरा बंगला है। अरे पागल हो गया क्या? लंदन तो इसी बंगले का नाम है। हमारे साथ आग मिचोली, 6 महीने तेरे साथ और 6 महीने मेरे साथ, ये तो धोखा है। इसमें कोई धोखा नहीं है, जिसे जो समझना है समझे, वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन एकदम बराबर है, वो मेरी है और मुझे ही चाहिए। मथु, ओह माय गॉड, चुप रहो, वो मेरी है और मेरी रहेगी। वो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मैंने कहा ना, मुझे चाहिए। मथु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो गोरी को, मुद्दू को कितने प्यार से मुद्दू बुला रही है। डायना, डोंट पार्टिसिपेट यू बोथ टिल वन आई आर ही। यू बोथ आर टू आईज फॉर मी। अरे ऐसा तुम्हारे देश में होता होगा डायना, यहाँ नहीं होता। अगर ये गलत है तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? You guys are already married. अरे बाप रे, ये बात करने का टाइम नहीं है। I want you complete. अरे किधर जा रहा है? ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। डायना, मतलब औरत के लिए एक दूसरे को मारा? अरे औरतों के लिए कितने युद्ध हुए हैं, उसमें से ये भी एक है। ये बात आपको कैसे पता चली? वहां एक फ्रेम में पहले एक बच्चा था। वो बच्चा मैं ही हूँ। शी इज माई मम्मी। लेकिन वो तो एक अंग्रेज है ना? अरे गांव की धूपी ऐसी है, तुझे क्या पता? मैच हो गया बस। अच्छा तुम जमींदार कैसे बन गए? अरे उनके पास बहुत सारी जायदाद थी ना, तो मेरी मम्मी ने 1 से 500 एकड़ ले लिए, दूसरे से 500 एकड़ ले लिए और मेरे नाम कर दी। टोटल जमीन हो गई 1000 एकड़ और वो 1000 एकड़ पाके मैं जमींदार बन गया। पहले बता देते तो गांव का झगड़ा खत्म हो जाता। मेरी मम्मी ऐसी थी, मैं कैसे बता सकता। प्रोफाइल निकालो। तुम लोग बाहर जाओ, चलो निकलो। ए, चलो चलो तुम लोग बाहर जाओ, मैं संभालूंगा। चलो 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 बाहर जाओ। तुम्हारे दादाओं ने पर्सनल झगड़े को तेलुगु और तमिल झगड़े में बदल दिया। अगर ये गांव वालों को पता चला तो पूरा गांव एक तरफ और तुम दोनों का परिवार एक तरफ हो जाएगा। अब कोई ऑप्शन नहीं है, तुम दोनों एक हो जाओ और आप मुझे अपना दामाद बना लो। केशव, जो चले गए उनके लिए झगड़ने से क्या फायदा? या तो माफी मांग या ये गांव छोड़कर जा। अरे मुथू, तुझे इससे अच्छा दामाद और कहीं नहीं मिल सकता। मुथू, तुम्हारी जगह कोई और लीडर होगा। हमें पता है हमें क्या करना है, धोखेबाज तुझे छोड़ूंगा नहीं। जहां हमारे दादाओं ने जान ली थी हम वहीं पर जबान दे रहे हैं। आज के बाद हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होगा और इस गवाह के तौर पे मैं अपनी बेटी की शादी इस तेलुगु वाले से करवा रहा हूँ। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो।
दशरथ स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न क्षयो अरिष्ट नेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। सुनो जी। हाँ? देखा मेरे आइडिया ने कैसे काम किया। हुँ? मैंने इसे झगड़ा करने के लिए झगड़ा करने वाले गांव में भेजा था, लेकिन इसने दो दुश्मन गांवों को मिलाकर एक कर दिया। क्या समझती हो? हमारी जायदाद पर कब्जा करके तो हम पर राज कर रहा था। शादी हो जाने तो फिर बताता हूँ। देखो हम लोग एक दूसरे का राज नहीं खोल सकते। अगर हम में से किसी का भी राज खुला तो गांव वाले उसे धक्के मार के निकाल देंगे। इस उम्र में ये शोभा नहीं देगा। सो जो चल रहा है उससे कंटिन्यू रहने दो। अच्छा सुनो। हाँ? वो रिवेंज मैन की क्या कंडीशन है? किडनैपिंग के बाद तो दादी पूरी तरह बदल गई हैं। वो कह रहे थे कि उसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। कमाल हो गया यार। अरे बाप रे। पापा। पापा बहुत मुश्किल हो रही है, मुहूर्त बदलना ही पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, लड़की वालों ने दूल्हा ही बदल दिया। अरे क्या बकवास कर रहे हैं पापा, लड़के को मोशन होगा तो मुहूर्त को बदलेंगे ना कि दूल्हे को बदलेंगे, समझे ना? अब खेलना ही पड़ेगा। हाँ, तो खेलते। तो चलो चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। Ha 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 ha